स्वागत है आपका व्यस्त न्यूज में। आज हमारे साथ हैं आर के पूरम क्षेत्र विधानसभा के आम आदमी पार्टी के उर्मिला कृपेश जी, आइए इनसे बात करते हैं। स्वागत है मैम आपका। मैम आप शुरू से राजनीति में आना चाहती थी? देखिए घर में राजनीति थी तो जाहिर सी बात है कि राजनीति जब हमारे मेरे हस्बैंड हमारे ससुर दादा से तो सब राजनीति में थे। जाहिर सी बात है कि आप राजनीति में आने लगे। आपने चुनाव क्षेत्र में क्या विकास किया है कि 2019-20 चुनाव में आपको जनता आपको चुनेगी? देखिए हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत पानी की थी, जो हमने पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते सीवर की, लेकिन पानी की हमने 100% सॉल्व कर दी है। जहाँ पे पानी नहीं था वहाँ तक हमने पानी पहुँचाया। और मेरी विधानसभा में और 4 गांव हैं और यहाँ पे राजनीति पानी पे की जाती थी, वो हमने पूरा अपने कार्य क्षेत्र में पूरा तरीके से हमने पानी की समस्या खत्म कर दी है। और सीवर भी हम पूरी कोशिश करें कि पूरे क्षेत्र में जब से हमारा आर के पुरम बना हुआ, जब से सीवर की लाइन चेंज हुई है, पानी की लाइन चेंज हुई है, तो वो कार्य हमारा जारी चला हुआ है। आने वाले चुनावों के लिए आपके क्या एजेंडा है? लेकिन जो हमारे अभी काम है, जो क्षेत्र की जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं, उनसे तो हम काम कर ही रहे हैं। अभी हमने अपने क्षेत्र में 4 गांव मैंने अभी बताया, मोहम्मदपुर गांव, मोहम्मदपुर में आपने फ्लाईओवर का निर्माण कराया। बिल्कुल बिल्कुल, फ्लाईओवर का निर्माण कराया और उनकी काफी 20-25 सालों से उनकी डिमांड थी कि हमारे यहाँ पे फ्लाईओवर करना चाहिए। और पहले वहाँ पे नकली पत्थर भी लगा, लेकिन वो बनाया हमने है और आज लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रोड पार करने में बड़ी दिक्कत आती है। बीजेपी का आजकल राजनीति में दबदबा है, काफी राज्यों से उनकी सरकार है, तो आप सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी कर पाएगी बीजेपी को? नहीं, मैं नहीं मानती कि कोई दबदबा है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया। आप किसी से पूछिए, आप यूथ से पूछिए, क्या उन्होंने उनके लिए रोजगार दिया? आप बुजुर्गों से पूछिए, बुजुर्ग के लिए उन्होंने क्या किया है, किसके लिए उन्होंने काम किया है? छात्रों से पूछे, छात्र सड़कों पे है, युवा सड़कों पे है, बुजुर्ग सड़कों पे है, किसान सड़कों पे है, किसके लिए काम किया उन्होंने? कोई दम नहीं है बीजेपी का, बीजेपी खत्म है। जैसे कांग्रेस का सफाया था, बीजेपी का भी ऐसे ही सफाया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।